पिंडकी गौरमी थाना क्षेत्र अछाई गांव के पास एक गौवंश अंधे कुएं में गिर गया था। इसकी सूचना करणी सेना उपाध्यक्ष जगदीश सिंह भदौरिया को मिली। सूचना मिलते ही जगदीप सिंह भदौरिया अपने साथियों के साथ अछाई गांव पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों को गौवंश कुएं में गिर जाने की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। तब कहीं जाकर करणी सेना उपाध्यक्ष जगदीप सिंह भदौरिया के द्वारा अपने साथियों और ग्रामीण जनों के सहयोग से कड़ी मेहनत करने के बाद गौवंश को अंधे कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला गया। जैसे ही कल सूचना मिली थी शाम को, यहाँ पे कुआं में गाय गिर गई थी, तो यहाँ के कुछ लोगों ने बताया, तो मैंने तहसीलदार साहब को भी कॉल किया था, नगर पालिका में सीएम जो पुरेश जी आए हुए अभी, उनको भी कॉल किया था, तो उनका मोबाइल सुबह से बंद जा रहा है। और तहसीलदार साहब जो मनीष दुबे जी हैं, उनको मैंने ज्ञापन भी दिया था दो दिन पहले, जैसे कि गुरमी का वहाँ पे रोज लगातार बस स्टैंड पे रोज गायों का एक्सीडेंट हो रहा है, बस लेकर बस चालक भाग जाते हैं। तो उसी संबंध में आज मैं कहना चाहता हूँ कि तहसीलदार साहब का मेरे पास स्टेटमेंट रखा हुआ है, मैंने सुबह से 9 बजे से फ़ोन किया है उनको, 9 बजे से 11 बजे तक भी बार बार बोल रहे हैं, बस मैं भेज रहा हूँ कुआ का फोटो भेजो। मैंने कि साहब जब तक कुआ का फोटो भेजेंगे तब तक गाय का क्या होगा, जो छोटा बच्चा था गाय का बचिया का वो बड़बड़ा रहा है, उसमें कल शाम का गिरा हुआ है, परास्त हो चुका है बिल्कुल। तो बोल रहे हैं कि मैं भिजवा देता हूँ, सीएम साहब फोन नहीं उठा रहे, मैं क्या मदद करूँ, ये वो बंद करें। फिर मैंने एसडीएम साहब को भी कॉल किया, राव का नंबर दिया, एसडीएम साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने फिर तहसीलदार साहब को फोन किया, तहसीलदार साहब का दोबारा फोन आया किसी लड़की के पास, तो बोला कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ, एसडीएम साहब तक खबर पहुँचा दिए। लेकिन मैं कलेक्टर साहब माननीय महोदय जी से यही कहूँगा कि इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं की तो मैं 7 दिन के अंदर में गोरमी में जग का जाम करूँगा और फुल तरीके से बहिरंग दल और कड़ी सेना दोनों संगठन मिला करके महा आंदोलन करेंगे। जय जय श्री राम। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।